बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आप लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत सारी स्किन पॉलिशेस यूज़ करी होंगी और ब्लीच भी बहुत सारी आजमाई होंगी। इनमें से कुछ केमिकल होती हैं और कुछ ऑर्गेनिक होती हैं। आप लोगों ने बहुत सारी ऐसी रेमेडीज भी देखी होंगी जिसमें हर्बल चीज़ों के साथ ब्लीच बनाकर दिखाई जाती है, लेकिन आज मैं बिल्कुल एक चीज़ से, सिर्फ और सिर्फ किचन के एक इंग्रेडिएंट से आप लोगों को ब्लीच बनाकर दिखाने वाली हूँ। आप लोगों ने सिंपली किचन से एक इंग्रेडिएंट उठाना है और उसके साथ आपका पूरा फेशियल, पूरी ब्लीच हो जाएगी। जी हाँ, आप इसको पूरा फेशियल और ब्लीच दोनों नाम दे सकते हैं। आप लोगों ने पोटैटो जूस निकालना है। आप लोग एक पोटैटो लेंगे, उसको छील लेंगे और कद्दूकश कर लेंगे। कद्दूकश करने के बाद इसका तमाम रस निकाल लेंगे। अगर देखें आप लोग दो लेना चाहें दो ले सकते हैं, एक लेना चाहें एक ले सकते हैं। मेरे फेस के एक ही काफी था इसलिए मैंने एक लिया है। ठीक है, आपने कद्दूकश करके मलमल के कपड़े में से जब इसका अर्क निकाल लिया तो उसके बाद इसको 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना है ताकि इसके अंदर की तमाम प्रॉपर्टीज आ जाए, इसका स्टार्च नीचे बैठ जाए। ताकि एक ही चीज से मैं आपको क्लिंजर भी बनाना बता दूं, यही चीज क्लिंजर भी बनेगी, मास्क भी, स्क्रबिंग भी बनेगी और मास्क भी बनेगी और आपकी पॉलिश भी बनेगी। आप लोगों ने पूरी वीडियो को ध्यान से देखना है, स्किप नहीं करना है, वरना चीजों को समझ नहीं पाएंगे। ठीक है जी, आप लोगों का यहाँ पर जूस निकल गया है। हम लोगों ने इसको 10 से 15 मिनट का रेस्ट दे दिया है। 10 मिनट के रेस्ट देने के बाद यहाँ पर बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और स्मूथ सी नेचुरल ब्लीच रेडी हो चुकी है। यहाँ पर मैं ये बात बताती चलूँ कि हमारे फेस पर क्लेंजिंग का काम भी करेगा, साथ ही साथ हमारे फेस पर बहुत ही महंगा वाला एंटी एजिंग मास्क का भी काम करेगा। ये इतना जबरदस्त एंटी एजिंग रिंकल फ्री मास्क बनेगा कि इससे आपकी स्किन बहुत ज्यादा टाइटन अप होगी। अगर आपकी स्किन लूज हो चुकी है तो आपकी स्किन स्ट्रेच होगी, टाइट होगी। महंगी महंगी मजारी क्रीम भी इस मास्क का मुकाबला नहीं कर सकती। आप लोग हजारों रुपए की महंगी क्रीम ले लें और फिर उसके बनिस्बत इसको यूज कर लें तो इसके रिजल्ट्स आप लोगों को ज्यादा ऊपर मिलेंगे, यानी कि 100% मिलेंगे। हमने यहाँ पर आधा लेमन ऐड कर देना है। लेमन ऐड करने से ये मार्केट जैसी 80% नहीं 100%, जब हम इस स्टार्च के अंदर, आलू के रस के अंदर लेमन को ऐड कर देते हैं, ये सेम रिजल्ट हमें मार्केट वाली ब्लीच की जैसी देती है और इसमें कोई डाउट ही नहीं है। इसके अलावा हम लोगों ने हाफ टी स्पून हनी के ऐड करने हैं। बाज लोगों को हनी सूट नहीं करता तो, लेकिन इस रेमेडी में लाजमी कर जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर जितनी भी चीज़ें यूज़ करी हैं बहुत ही ज़्यादा नाप तोल कर और सोच समझ कर इस रेमेडी में यूज़ की है, तो स्किन पर कोई भी मसला नहीं होगा। ये हनी आपकी स्किन को मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट देगा। बहुत सारे लोग इस सीज़न में मॉइस्चराइजर नहीं लगाते तो हनी यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मॉइस्चराइजिंग का भी काम करेगा, एंटी एजिंग का भी काम करेगा। यहाँ पर मैंने हाफ लेमन ऐड कर दिया है। जिन लोगों को लेमन जूस ऐड नहीं करना, लेमन से मसला है, वो लोग अंडे की जर्दी भी यूज़ कर सकते हैं। लोग चाहें कि अंडे की जर्दी भी यूज़ कर लें और लेमन भी यूज़ कर लें तो दोनों चीज़ें भी यूज़ की जा सकती हैं, कोई भी इशू नहीं है। अब यहाँ पर मेरा लास्ट इंग्रेडिएंट रहता है जिससे ये मास्क भी बन जाएगा, और ऐसा मास्क बनेगा जिससे हमारी एजिंग का मसला बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ख़त्म होगा, एक्ने का मसला ख़त्म होगा, पिगमेंटेशन का खत्म होगा, हमारी स्किन को बहुत ज्यादा अच्छी ब्राइटनिंग देगा। और ऐसा इंग्रेडिएंट है कि सभी के किचन में लाजमी कुछ मौजूद हो ना हो ये जरूर मौजूद होता है, और वो है आटा। आटे के ऑयली स्किन के लिए बेतहाशा बेनिफिट है, इस सीज़न में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा स्किन के लिए। अगर आप लोगों ने कोई भी हार्श चीज़ अपनी स्किन पर यूज़ करी है तो उसके लिए आटा बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर आप लोगों ने कोई भी हार्श इंग्रेडिएंट, जैसे कि लेमन थोड़ा सा कुछ लोगों को हार्श लगता है, कोई भी हार्श चीज़ इस पैक में यूज़ कर ली है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, उसको ये कवर अप कर देगा इस रेमेडी के अंदर। यानी कि आटा टैनिंग के लिए, एक्ने के लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। अब यहाँ पर हमारे फेस के लिए नेचुरल ब्लीच बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब यहाँ पर आप लोगों ने इसको अपने साफ धुले हुए फेस पर अप्लाई कर लेना है। आप लोगों को किसी पार्टी फंक्शन में जाना हो, अर्जेंट कहीं जाना हो, किसी बर्थडे पे जाना हो, कहीं भी जाना हो, आप लोग होम मेड ब्लीच फौरन लगाएं और फिर आप लोग जाने के लिए तैयार हो। रेमेडी आप लोगों की ओवर स्वेटिंग को भी रोकेगी, आपकी स्किन पर एक अलग सा निखार आएगा, नेचुरल ब्लीच का काम करेगी।
इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। इसको अप्लाई करने के बाद 20 से 25 मिनट के लिए इसको सुकून से छोड़ दें। इसको आप लोगों ने बस स्किन पर टाइम देना है, बनने में टाइम नहीं लगेगा। स्किन पर 20 से 25 मिनट तक के लिए छोड़ना है ताकि ये बहुत ज़्यादा अच्छे से अपनी आपकी स्किन पर वर्क कर सके। आप लोगों के लिए ज़बरदस्त सा एंटी रिंकल मास्क भी साबित होगा। तो भला कोई ऐसी चीज़ होगी जो इतने सारे फ़ायदे दे रहा है? फेस पॉलिश का भी आपको फ़ायदा दे रहा है, आपको फेशियल का भी फ़ायदा दे रहा है, आपके रिंकल्स और फाइन लाइंस के लिए भी ज़बरदस्त मास्क है। तो आप लोगों ने फेस को वॉश कर लेना है 20 से 25 मिनट के बाद और आप लोगों के सामने लाइव रिजल्ट्स हैं, एकदम गेम चेंजिंग रिजल्ट्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जब आप लोग इसको रिमूव करेंगे ना तो ग्लो आप लोग अपने फेस पर अपनी आंखों से देखेंगे और एक ही चीज़ से आपका ब्लीच हो गया, फेशियल हो गया, और क्या चाहिए मेरी बहनों, दुआएं दो मुझे। आप लोगों ने इसको लाजमी ट्राई करना है और इन्जॉय करना है। आपको लोगों को पिंकिश ग्लो देकर जाएगा, आप लोगों के रिजल्ट्स बिल्कुल ब्लीच जैसे ही आएंगे, ये नादिया मुजम्मिल की गारंटी है। तो भाई इस रेमेडी को आप लोग 4-in-1 कह सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी मुझसे कुछ ना कुछ सीखा हो, लाजमी लाइक कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में आकर एक प्यारा सा कमेंट अपनी बहन के लिए कर दिएगा। और अगर आप लोगों को कुछ भी विश ब्यूटी से मुझसे बाय करना है तो muzammil.nadia मेरी इंस्टाग्राम पर ID पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो से मुतालिक कुछ भी पूछना हो तो मुझसे बिला झिझक पूछ सकते हैं। मिलती है आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी नादिया मुजम्मिल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल और मुझे रखिएगा अपनी खास दुआओं में याद।